रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और बात कुछ इस तरह है कि हम लोग जा रहे हैं अपनी वैक्सीनेशन की सेकंड डोज के लिए एक्सपो सेंटर, तो चलिए चलते हैं। वैक्सीन हो रही है लेकिन हम तो वायरस की करवाने हैं, अब करवाते हैं और फिर चलते हैं अंदर, सेकंड डोज लगवाते हैं। डेंगू का भी हॉस्पिटल है, डेंगू के पेशेंट्स को लाते हैं और मतलब इधर इनका ट्रीटमेंट करते हैं। अंदर चार्ज थोड़ी सी सर्दी भी है, अब चलते हैं और फिर अपनी वैक्सीनेशन की सेकंड डोज लगवाते हैं। आज नेट ही नहीं आ रहा इधर, नेट आएगा तो फिर फॉर्म निकलेगा। नेट का सर्वर डाउन हो गया और नेट वेट है, मैराथन का सर्वर डाउन होगा सर। 10 मिनट लग गए फॉर्म निकलवाने में, अब फॉर्म निकला है और सेकंड डोज के लिए चलते हैं। फादर जो है वो अपनी बूस्टर डोज की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। चलो पानी आ रहा है कि कोई सीन नहीं है, प्रैंक हो गया। फर्स्ट डोज भी एक्सपो सेंटर से लगवाई थी और सेकंड भी एक्सपो सेंटर से लगवाई है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, रश भी नहीं था, लगवा लिया और अब हम वापस चलते हैं घर। कोरोना वैक्सीन की तैयारी में शामिल अजरा, ये देखें जी, रोक के पढ़ सकते हैं आप। जी वैक्सीनेटेड फाइनली, अब वापस पार्किंग में चलते हैं और गाड़ी में अपने घर वापस चलते हैं। लेकिन घर जाने से पहले हम खाएंगे फ़िश बर्गर, तो फिश बर्गर खाएंगे, फिश बर्गर खाने के बाद ही घर जाएंगे। तो अब चलते हैं, पहले बर्गर खाएंगे फिर घर जाएंगे, तो बर्गर के भी जो सीन है वो भी आप देखिएगा। तो चलिए चलते हैं। आप गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपो सेंटर के अंदर ही डेंगू का हॉस्पिटल बना है जिसमें डेंगू पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो रहा है। डेंगू की भी सूरत हाल बहुत ख़तरे में है। मेरे ख्याल से डेंगू पेशेंट्स को की सर्विस के लिए ईदी की एम्बुलेंस भी मौजूद है। अल्लाह ताला रहम करें जी अपना। अब वापस घर चलते हैं, वैक्सीनेशन की सेकंड डोज लगवा लिए दोनों ने और अब हम घर वापस जा रहे हैं। और अच्छे एक्सपीरियंस एक्सपो सेंटर से, दोनों डोजेज हमें एक्सपो से ही लगी हैं, पी फाइज़र की। और पी फाइज़र की अगर आप लोग लगवाना चाह रहे हैं फ़र्स्ट डोज, तो अभी अवेलेबल नहीं है एक्सपो सेंटर में, विद इन 3 to 5 डेज़ आएगी, तो तभी आप लोग आइएगा। तो अब घर चलते हैं।